प्रभु नमस्ते प्रणाम सलाम जोहार जय। देखिए आज जो विषय लेकर के आए हैं एक हालांकि विचारों को भी बताया हुआ है और फिर भी चूंकि विषय उस समय है थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं और विचारों का छोटा छोटा टॉपिक अलग वीडियो बनाए और आप लोग तो चलिए हम आते हैं। पहला एमएच एक्ट 1981 जिसको फुल फॉर्म द मेंटल हेल्थ एक्ट सकते हैं जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, चाहे वह सामान्य अस्पताल हो, कोई ऐसे होम हो या फिर मनोरोग अस्पताल हो, मनोरोग नर्सिंग हो, कहीं भी इलाज कराने का अधिकार है। दूसरा, यहाँ तक कि मानसिक रूप से बीमार कैदी, चाहे जो जेल में है मानसिक रूप से बीमार है या किसी प्रकार का उनको डिप्रेशन हो गया है, तो उनको भी इलाज का कार्य है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो या कोई भी मनोचिकित्सक अस्पताल में गृह में होम में वो उपचार करा सकते हैं, उनका एक अधिकार है और यह अधिकार जो है आपका मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत दिया गया है। तीसरा जो है 16 वर्ष से कम आयु वाले जो नशे के शिकार करते हैं, दारू दारू ड्रग्स जो लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है जिसे चाहे वो जो नशा करते हैं जो जिसको लोग अपराधी घोषित कर दिए हैं, तो वो अभी सरकार के द्वारा जो स्थापित आपका नशा मुक्ति केंद्र है या मनोरोग अस्पताल है या फिर मनोरोग होम है या सरकारी है, उसको भी उपचार करने और देखभाल का अधिकार उसे भी और वह एक है नहीं। साथ ही साथ जो ऐसे मानसिक मनोचिकित्सक अस्पताल चलाते हैं होम चलाते हैं और मनोचिकित्सक जो अस्पताल होम या गृह चलाते हैं, तो उनके लिए जो है यह है इसके अंदर कि सरकार उसको लाइसेंस दे, मान्यता दे, जैसे विभाग पे होम चला है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या इंडिविजुअल है जिनको देख रेख की आवश्यकता है, जिनको सुधार हो गया है और सुधार होने के बाद उनको रखने के लिए जगह चाहिए थोड़ा सा समय, तो उसके लिए हाथ में उनका भी सभी जगह है जो समाज अधिकार मंत्रालय के तहत से संचालित है, राज्य सरकार द्वारा भी है और हरियाणा राज्य में। इसके साथ उपरोक्त लिखित सरकारी अस्पतालों नर्सिंग होम जहाँ के लिए आप उपचार करा सकते हैं, कहीं कोई सुविधा नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से प्रवेश ले सकते हैं या सरकार के आदेश लेकर भी आप वहाँ जा सकते हैं। यह कई मामलों में तो ऐसा होता है जो जिले के मजिस्ट्रेट हैं वो अनुशंसा कर देते हैं कि हाँ इनको रखकर इलाज किया जा। जब मैं था यहाँ न्यायाधीश बाबा की अनुसमति में, तो कई एक ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से नीचे थे और उनके मनोरोग अस्पताल रांची जिले के मजिस्ट्रेट से अनुशंसा कराकर भर्ती मैंने कराया और उनके अच्छे भेजो उसको मैं अपने हाथ में रखा। इसके बाद है क्या कि पुलिस का दायित्व है, पुलिस का क्या दायित्व है कि होता है
कोई बच्चा फ्लैट कर लिया कहीं कुछ दिन में आता कितने लोग को देख करके छोड़ देता है छोड़ लोग को हम फेरा पड़ता है फोन ले जाएगा क्या हुआ किसका बच्चा कहाँ का पुलिस बहुत क्वेश्चन करती है छोड़ देता बेटा बच्चा वो जीवन मिला कुछ दिन मुश्किल समाप्त हो जाती है लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य है और बहुत लोग समझदार और नैतिक कर्तव्य वाले होते हैं जो सोशल कर्तव्य होते हैं वो क्या करते हैं उस बच्चे को उठा करके पुलिस के थाने में लाकर के दे लाते क्यों दे लाते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका कर्तव्य है मेंटल हेल्थ एक्ट मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत उनका हक है कि वो जो है उस बौद्धिक दिव्यांग या मानसिक रोगी बच्चे या पूर्वाधन भाई हैं उनको आप जो ऐसे होम चलाने वाले हैं हॉस्पिटल जो मनोरोग चिकित्सालय चलाते हैं तो उनको तक ले जाना वो स्वयं तो ले जा नहीं सकते अपने जिले के मजिस्ट्रेट के अनुशंसा के साथ आप क्या करते हैं वहाँ भर्ती कराना सुरक्षा दिलाना उसका पुलिस का जिम्मेदारी होती है तत्काल और वो हटा के कहती है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब आए थे प्रोग्राम में तो उन्होंने कहा अग्रेसिव साहब थाने को इंतजाम नहीं किया वहाँ के थाना इंचार्ज को प्रोग्राम में होना चाहिए उन्होंने कहा निश्चित रूप से सर क्योंकि निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चे हैं तो उनको जहाँ बौद्धिक दिव्यांग बच्चे को जो बच्चे को रखते हैं या फिर आपका जो मनोरोग अस्पताल चलाते हैं हाउस चलाते हैं हाफ इंड चलाते हैं तो उसको वहाँ तक पहुँचाना अगर वो डायरेक्ट नहीं देते हैं तो अपने जिले के मजिस्ट्रेट होम से सुसा कर वहाँ तक पहुँचा देना ये नैतिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेदारी बनती है उनकी एक आपका मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत इसके बाद मानसिक जो बीमार व्यक्ति हैं ठीक हो जाए अगर मान लीजिए ठीक हो गया देखिए आप जानते हैं कि मन बुद्धि और मानसिक रूप में अंतर है मानसिक रूप कभी भी होता है और उनका ठीक भी हो जाता है और पुनः हो सकता है मानसिक जो दिव्यांग है बौद्धिक दिव्यांग है तो वो ऐसा नहीं है क्योंकि यह जो है सो आपका ठीक नहीं होता और मां के गर्भ से या जन्म जब इधर दो साल के अंतराल में नहीं होता और एक उनका ठीक नहीं होता लेकिन मानसिक रूप ही उनका ठीक हो जाए और ठीक हो सकता है तो इस स्थिति में हमारा जो एमएच एक्ट है मेंटल हेल्थ स्वास्थ्य एक्ट मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम तो ये कहती है कि अगर कोई रोगी ठीक हो गया है तो उसका अधिकार है कि वह मानसिक स्वास्थ्य सुविधा छू सकता है घर को या कर सकता है उसका अधिकार है आगे देखिए जो मानसिक से बीमार व्यक्ति मान लिया उसका कुछ भूमि है जमीन है जायदाद है लोग उसको नहीं दे रहा है तो उसको जो है आप एक संरक्षक नियुक्त कर लीजिए और उसको आप सोच सकते हैं देख रेख करेगा और यह कोर्ट के द्वारा यह होता है और उसकी संपत्ति की सुरक्षा संरक्षा की जाती है क्योंकि वो तो यह है रोगी मानसिक रोगी कब क्या करेगा कुछ कर नहीं उसे संपत्ति अगर नहीं मिलता है मान लीजिए कई केसेस में ऐसा आता है कि उसका अगर इलाज आप करा रहे हैं इलाज कराने का कोई पैसा नहीं है अगर उसकी संपत्ति है तो उसमें से दीजिए वो उसका ही परिवार को देगा अगर कोई नहीं आती है तो फिर उसका सरकार है सरकार ने मनोचिकित्सक जो आके हैं वो देख रेख करें सरकारी मनोचिकित्सक अस्पताल है वहाँ उसका भर्ती कराए तो किसी भी मनोचिकित्सालय अस्पताल जो है नर्सिंग होम है रोगी को वहाँ जाकर भर्ती करा सकते हैं या जो रोगी कुछ लोग हिरासत में हैं जेल में बंद हैं जेल में बंद होने के कारण मेंटल डिस्टर्ब हो गए हैं तो उनको फिर आप जाकर वहाँ भर्ती करा सकते हैं उसका भरण पोषण उसकी जो संपत्ति सोगा मैंने भी कहा और अगर उसकी संपत्ति नहीं तो उसका जो रिलेटिव हो देंगे अगर उसका संपत्ति रिलेटिव कोई ज्यादा पता नहीं तो सरकार भी उसका खर्चवान करेंगे सारा खाना पीना दवा इलाज सब इसके साथ ही आपको इलाज करा रहे मानसिक जो रोगी हैं तो वह जो इलाज करा रहे हैं अगर उनका इलाज पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो जो संवैधानिक अधिकार है
अधिकार आप दे सकते हैं, लेकिन जब तक वह रूमिट नहीं होता तब तक नहीं दे सकते, क्योंकि वह दिवालिया है, मेंटल इल है, उसको दिवालिया कहा जाता है। तो उसको जैसे बोर्ड देने का अधिकार आप समझे राइट टू पर्सनल डिसेबिलिटी एक्ट 2016 दिसंबर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हमारा भारत का संविधान है आर्टिकल 326 में यह क्लियर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है या मानसिक दिव्यांग है, बौद्धिक दिव्यांग है, तो उसको वोट देने का अधिकार है, उसे आप वोट से वंचित नहीं कर सकते। हाँ, जो मनोरोगी है उसको वंचित कर सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल से आप उसके अधिकार से जो सामान्य लोग अधिकार है वही अधिकार उसको मिलेगा, उससे आप वंचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मनोरोगी है वो समझेगा नहीं, वो समझ कर बदमाशी करेगा, मांग करेगा, जो फोन करेगा, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वह उसको समझाने से कुछ माइल्ड मॉडरेट बॉर्डरलाइन वो समझ सकता है, तो उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है और उनको ऐसा भी कहा गया है कि ऐसे लोग वोट देने जाएंगे तो उनके साथ एक बौद्धिक दिव्यांग के साथ एक अटेंडेंट जा सकता है और उसको वोटिंग करा सकता है और उसको पहले वोट देने का अधिकार है, अगर जाता है तो पहले दे करके आ सकता है। इस पर भी हमें कार्यक्रम करेंगे, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके हम नियंत्रता के क्षेत्र में इतने पुराने वर्ता है तो हम चाहेंगे कि इस पर भी हमें 2019 में जब हुआ था चुनाव तो उस वक्त भी मैंने 3 अनाथ दिव्यांग बच्चों को वोट देने का मौका मिला था, हमारे 3 अनाथ दिव्यांग बच्चे जाकर के वोट दिए थे झलिया। तो मैं तो 2019 में भी किया हूँ और अभी तो हमारे यहाँ लगता है कम से कम 17-16 बच्चे हैं जो वोट इस बार देंगे, कुछ उनका भी नहीं बना है, प्रोसेस में है, ये अपनी तरफ बन जाए 2 मई में होने वाले कुछ लोगों को देंगे। इसलिए बौद्धिक दिव्यांग और मानसिक रोगी में अंतर समझिए, मानसिक रोग को वोट का अधिकार नहीं मिले, बौद्धिक दिव्यांग को यह अधिकार एक्ट 2016 हमारे संविधान का अनुच्छेद माननीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 जो आर्टिकल 326 में क्लियर लिखा है, आप उसके बाद गूगल गूगल करके देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो मानसिक रूप से दिव्यांग है वो मानसिक से अस्वस्थ है वो दे सकता है, लेकिन उसके अवसर में दिवालिया नहीं, वाणी मेंटल भी नहीं होना चाहिए, वो भी कैटेगरी में आता है और उसका नहीं है, यह स्पष्ट है। अब आगे है कि कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति जो सरकार से किसी प्रकार का जैसे वेतन उसको मिल रहा हो या सरकारी कर्मचारी हो उसको रिटायरमेंट मिल रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो दिवालिया होने के कारण उसको आप नहीं देंगे, उसको यह अधिकार है वो अपना नौकरी किया है तो नौकरी का जो हक है वो करवा कर मिलेगा। सत्य ऐसे प्रमाणित व्यक्ति उसके असली प्रभावी व्यक्ति जो व्यक्ति है वह प्रमाणित करके देगा कि मजिस्ट्रेट को कि हाँ ये सब ठीक हो गया है और ये इसका एज ही मिल रहा है, तो उसके जो अभिभावक है जो उसके संरक्षक है उसको यह सारा ग्रेचुटी पेंशन या जो भी रिटायरमेंट मिलता है उसको मिलेगा। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मजिस्ट्रेट या जिला अदालत के आदेश एक कानूनी व्यवसायिक सेवाओं का प्राप्त होगा, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है झालसा नलसा झालसा डिस्ट्रिक्ट झालसा कार्यक्रम, तो इन लोगों के वहाँ की सुविधा है कि अगर आपका कुछ नहीं तो वहाँ आवेदन दीजिए, आपको मुफ्त एडवोकेट दिया जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी, आपकी केस को देख रेख किया जाएगा और उसको हर सुविधाएं जो सामान्य लोगों को दी जाती है उसको दिया जाएगा। तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है समाप्त होता है। जय हिंद।